हमने बोला कि हमारी वेरिएबल, हमने बोला कि हमारी मतलब बेसिकली जो हमारी कल बहुत सारी लास्ट टाइम मैंने आपको रिवर बोट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? रिवर बोट में मिनिमम टाइम बीबीआर क्या होता है, वीआर क्या होता है, सब बता दिया था। अब अगर अपन लास्ट सवाल जो इसमें एक अच्छा करने की बात करते हैं, उसमें अपन लिया था वेरिएबल, क्या चीज? मैंने आपको बोला होगा कि भाई साहब ये एक विड्थ, एक रिवर है जिसकी विड्थ है डी, कितनी है जिसकी विड्थ है डी, और ये रफ्तार है वी नॉट, ये रफ्तार है वी नॉट का मतलब क्या है, क्या यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वी नॉट है? इट इज चेंजिंग लीनियरली, इट इज चेंजिंग लीनियरली वाई के साथ। अगर मैं किसी भी वाई दूरी पर रफ्तार पूछूं क्या आप निकाल सकते हो? ध्यान से देख, तो जीरो से डी बाई टू में वो वी नॉट हो जाती है। तो आप ध्यान से होता ऐसे लिखना चाहिए वी इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी। अरे हाँ ना बोल, जब y जीरो है तो v की वैल्यू भी जीरो है, मतलब क्या v बराबर ए वाई इंप्लाइज b इक्वल्स टू जीरो। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो v इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी लिख सकते हैं ना। जब y जीरो तो v भी जीरो, तो v भी जीरो। जब y है d बाई टू कितना है, तो v की वैल्यू है v नॉट, तो लिखा गया v नॉट बराबर ए डी बाई टू, मतलब क्या ए की वैल्यू आई टू वी नॉट बाई डी। अरे हाँ ना बोल। तो भाई साहब वेलोसिटी की रफ्तार जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है टू वी नॉट डी बाई डी इंटू वाई। अरे हाँ ना तो बोल। यार मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। अच्छा ये वी किसकी रफ्तार है? रिवर की। किसकी रफ्तार है? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अरे किसकी रफ्तार है? ये रिवर की रफ्तार है। तो v के लिए लग दिया टू वी नॉट बाई डी, देना गड़बड़ नहीं करूं मैं, कुछ बोला तो नहीं, सब सही है, टू वी नॉट बाई डी टू वाई। अच्छा ठीक भाई, ये v की रफ्तार है। हमने से सवाल में बोला था कि इंजन स्पीड u है, इंजन स्पीड और बोट वाला हमेशा परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो चलाने की कोशिश करता है। रिवर वाला हमेशा, मतलब सॉरी बोट वाला हमेशा परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो चलाने की कोशिश करता है। अरे नहीं आया। तो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो चलाने की कोशिश करता है। आप सोचते हैं ये हमेशा ऐसे, यानी कि अगर अपन किसी भी इंस्टेंट पे देखें तो सोचो इधर तो रफ्तार u है। अरे असलियत में vb जो होता है, असलियत में जो vb होता है, थोड़ा ध्यान समझा, ध्यान दे, असलियत में जो vb होता है क्या वो vbr, वेयर vbr क्या u, क्योंकि इंजन स्पीड क्या u दी हुई है। अरे नहीं आया। तो ये अपना हो गया u और ये अपना कितना V, पर ये V चेंज हो रहा है, ये V यहाँ पे V मैंने रिवर की रफ्तार ली है, यहाँ पे V मैंने, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अरे यार, तो अगर ध्यान से देख तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, जो कि धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रही है। क्या वो टेंजेंट टू द कर्व होगी? क्या होगी? यार नहीं हुआ। अब ध्यान से देख, तो अगर तू ध्यान देखे ना तो इसका पाथ ऐसा होगा, देख यहाँ पे ऐसे, फिर क्या वापस इधर आने लगा? यस सर। तुम्हें नहीं आया, आया। पता आया कि नहीं आया? आया। अरे सोच लो। यस सर। कोई बुराई वाली बात नहीं। अब देखो भाई साहब, ये यू आ गया, वी आ गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप बहुत, तो आपको कुछ चीज समझ में आएगी, देखना इधर ध्यान से। कहां गया, कहां गया? हाँ, किसी भी टाइम टी पर वाई कितना है, किसी भी टाइम टी पे वाई कितना है, यूटी यूटी किसी टाइम टी पे वाई कितना है? अरे नहीं आया। ऐसा क्यों? क्या किसी टाइम टी में यू ही से चला रहा है? अच्छा एक्स कितना है? वो वी वेरिएबल है। क्या वी वेरिएबल है? अरे वी, तो ध्यान दे, तो वी को क्या लिखा गया? वी को लिखा गया टू वी नॉट बाई डी, और इसको क्या लिखा? यूटी। अरे यार भाई को क्या लिखा? यूटी। अरे नहीं आया। और इसको क्या लिखा? डीएक्स बाई डी टी। अरे v को क्या लिख सकते हैं? x में कौन चला रहा है? अरे कौन चला रहा है? ध्यान से देखो, इसे क्या लिख सकते हैं? dx by dt equals to 2v not by d into ut dt, sorry ut। अरे यार, अरे x को कौन चला रहा है? यही चला रहा है ना? अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, कोई बुराई नहीं है। dx by उधर ले जाए, इंटीग्रेट कर, तो dx equals to 2v0 by 2v0 u by d into t dt, limit 0 to t, limit 0 to x। अरे कभी तो हाँ ना बोल। x की वैल्यू क्या आई भाई साहब? v0 u by d
इनटू टी स्क्वायर। बोलिए सोनो, मुझे अगर इक्वेशन ऑफ कर्व चाहिए तो क्या वाई और एक्स में रिलेशन चाहिए? क्या एक्स का रिलेशन आ गया इसके साथ और क्या वाई बराबर है यूटी? वाई बराबर क्या है? तो क्या टी एलिमिनेट कर दो, टी क्या कर दो, तो एक्स की वैल्यू वी नॉट यू बाई डी वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, वी नॉट वाई स्क्वायर बाई यू डी एक्स। क्या पैराबोलिक टाइप आ रहा है? जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तुम्हारे प्राण प्रखेरू? अरे हाँ ना तो बोलो। आइए ओके तो ये थी अपनी रिवर बोट। क्या चीज? रिवर बोट। रिवर बोट जैसे ही बिल्कुल होता है प्लेन विंड। क्या होता है? आप चाहो तो दोबारा उसको उतना ही पढ़ाया जा सकता है पर अपन 5 मिनट में खत्म करेंगे। प्लेन विंड प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? प्लेन विंड प्रॉब्लम्स। कोई हवाई जहाज समस्याएं नहीं, हवाई जहाज नहीं, हवाई जहाज हवा समस्याएं। उड़न खटोला। हाँ, उड़न खटोला एवं हवा समस्याएं। तो प्लेन विंड प्रॉब्लम्स एक्चुअली सिंपल से आप एक बात समझे, मान लो कि हवा ऐसे बह रही है, मान लो कि हवा प्लेन उड़ाने की कोशिश इधर कर रहा हूं, जाएगा किधर? इधर। बोलो क्लियर? फिर से अगर तीन चीज, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। अरे हाँ ना बोल। सोच, अगर हवा ऐसे बह रही है, मैं उड़ाने की कोशिश इधर कर रहा हूं, गया इधर, ये क्या है? VPWVP। और ये क्या है? अरे हाँ ना बोल। क्या है? अरे बोट की जगह प्लेन आ गया, विंड की जगह, बाकी कोई अंतर नहीं है। अरे हाँ ना बोल। Yes, sir। तो अपनी भाषा में बात लिख लो कि इसमें कुछ नया नहीं है, रिप्लेस रिवर बाई बोट। नहीं रिवर बाई बोट मत कर देना तुम, रिप्लेस रिवर बाई विंड। तो ये खत्म हो गया। सारे जहां से चलिए आइए। मत गाओ तुम, ऐसा लग रहा है साले देशद्रोही हो तुम, इतना गंदा गा रहे हो मतलब साला। अच्छा तुम लोग मेरी नकल उतारते हो, क्लास के बाहर तो नहीं उतारते, बहुत ज्यादा उतारते। मैं चाहूँ तो एक सवाल कराता हूँ जो प्रैक्टिकली प्लेन्स में यूज लिया जाता है ना, बाकी वैसे कुछ कराने की जरूरत एक क्या कर, एक्चुअली प्लेन की जब टेस्टिंग होती है ना, क्या होती है प्लेन की टेस्टिंग, तो हर तरीके से प्रॉपर चल रहा है उसको है ना, प्लेन की टेस्टिंग के टाइम करा जाता है, जो सवाल कर रहा है तुम खुद कर सकते हो। उसमें क्या जाता है, प्लेन को उड़ाया जाता है और बोला जाता है कि इतने किलोमीटर के चक्कर काटो, चौकोर सर्कल भी करा जाता है, चौकोर मतलब ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, ताकि उसकी हर तरीके से विंड, अगर विंड भरी हुई तो चौकोर में अपन सब तरीके से कवर कर लेंगे। अरे हाँ ना बोले यार, तो उसकी टाइमिंग और कई तरह की एनालिसिस होती है। तो मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपका जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन यानी कि इंजन स्पीड ऑफ प्लेन, क्या चीज? मान लो आपको बोला जाए कि इंजन स्पीड ऑफ प्लेन जो है वो सपोज अपन मान लेते हैं कितनी ले, इंजन स्पीड ऑफ प्लेन लेते हैं डिस्को डिस्को तीन सौ नहीं 400 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर? और वेलोसिटी ऑफ विंड वो है 300 किलोमीटर पर आवर, तेज हवाओं में प्लेन की टेस्टिंग हो रही है और वो है ईस्ट की तरफ, किधर? हवा तो ईस्ट की तरफ ही है। बोलो क्लियर? और बोला गया टेस्टिंग के लिए आप प्लेन को एक चौकोर में चलाइए और इस चौकोर का दूरी ले लीजिए 1 मीटर नहीं एक पांच सौ मीटर मान लेते हैं, ये भी कम है वैसे, 5-5 किलोमीटर ले लेते हैं। बोलो क्लियर? तो स्क्वायर में चक्कर काटता है, बताओ इस पूरे स्क्वायर को कंप्लीट करने में को प्लेन में कितना टाइम लगेगा? प्लेन ऐसे चलना है स्क्वायर पे। बोलो क्लियर है?
तो हमेशा उसको अपनी डायरेक्शन ऐसे एडजस्ट करनी पड़ेगी कि उसकी रियल डायरेक्शन ये आए। अरे यार ध्यान से देखो किसकी डायरेक्शन शो हो रही है, वीपीडब्ल्यू की वीपी वीपी। अरे हाँ ना बोल, नहीं आया पक्की बात। एक मिनट रुक जा, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? हाँ ठीक है, थोड़ा सा गंदा आंसर आएगा वैसे, चलो कोई बात नहीं, जो भी आएगा बा जाएगा। फाइनल टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द स्क्वायर पाथ, फाइनल टोटल टाइम टेकन बाय द प्लेन टू कंप्लीट द स्क्वायर पाथ। ऐसे पाथ को नाम दे दो ए बी सी डी। मैं लिखना चालू करता हूँ, देखना तुम है ना, देखना मत, तुम अपना करते रहो, मैं अपना कर रहा हूँ, परेशान मत होना। देखो भाई है ना, अब गंदा सा डेटा ले लिया यार, गंदा डेटा ले लिया। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गंदा डेटा ले तो सवाल सॉल्वेबल नहीं, बहुत नॉर्मल है, थोड़ा रूट रूट में थीटा आ जाएंगे और कुछ नहीं है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। तरीके तुमसे हुआ थोड़ी, हो गया अभी टफ सवाल कहलाता है, वास्तविकता में सवाल फिजिक्स ओलंपियाड में आया हुआ है, पर अगर ध्यान से समझ में आता हो तो कोई रॉकेट साइंस तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समाज। अगर मैं ए से बी चलूंगा तो क्या मैं बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलूंगा जिस डायरेक्शन में विंड है? तो मेरी रफ्तार 400 रहेगी कि 700 हो जाएगी? 700, तो टाइम लगेगा। बेसिकली चार छोटे छोटे सवाल हैं। अरे यार आवाज नहीं है यार, बेसिकली चार छोटे छोटे सवाल है। जब मैं ऐसे चला तो रफ्तार आई 700, तो मेरा टाइम लगा 5/700। बोलिया छोड़ लो, अब जब मुझे ऐसे चलना है तो जाहिर सी बात है प्लेन को अगर ऐसे जाना है, हवा इधर जा रही है, तो क्या मुझे चलाना ऐसे पड़ेगा? मुझे चलाना ऐसे पड़ेगा तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, तो क्या 400 sin theta is 300? अरे यार हाँ ना बोल, वीपीआर इधर होगा तभी तो वीपी इधर आएगा, कोई बुराई वाली बात तो 400 sin theta = 300 sin theta = 3/4? अरे नहीं आया तो क्या असली वेलोसिटी ऑफ प्लेन आई 400 cos theta = √7/4? अरे कभी तो हाँ ना बोल, अगर ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन आ गई और अपने को दूरी चलनी है 5, तो क्या टाइम लगा दिस? अरे यार नहीं आया। तू अगर ध्यान से देख, जब अपन चलेंगे सी से डी इधर चल रहे हैं 400 से हवा बह रही है 300 से, इफेक्टिव रफ्तार 100, इफेक्टिव रफ्तार 100, तो टाइम लगा 5/100। बोल या छोड़ नो। और अगर तू ध्यान से देख तो जैसे जितना टाइम बी से सी में लगा उतना ही टाइम नहीं आया, तो वापस वही लिख दिया मैंने डायरेक्ट। एक मिनट,
क्या मैंने ज्यादा अच्छा सवाल करा दिया? No, लल्लू तो रिवर बोट में सब करा चुके थे, रिवर बोट का एक अच्छा वर्जन करा लिया, ऐसा समझो। अरे हाँ ना बोलिया, कोई बुराई वाली बात नहीं, बढ़िया सवाल। बहुत टफ करना हो इसको भाई साहब, प्राण निकालने हो बच्चे के। तो जो मैंने हवा ईस्ट में चलाई ना, उसे टेढ़ी चला देता। अरे यार, तो क्या चारों टफ सवाल हो जाते? हालांकि उसमें भी कोई खास बात नहीं है। मुझे लगा तुम्हें आया, मैंने तुम्हारे प्राण पखेरू, पक्की बात सोच लो। अरे एक नंबर के नौटंकी है तुम लोग यार, ये मत बोलना मेरे से सीखी है। मैं तुम्हारे में जितने भी अवगुण आए ना, वो सब मैंने सिखाए तुम्हें। क्या कहते हो यार? साला जो सीखने आए थे तो समझ आ नहीं रही। उतार लिया तुम लोगों ने? ये जो ने प्लेन विंड, प्लेन विंड के एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ रिवर बोट, एग्जैक्ट सेम एज दैट ऑफ रिवर बोट। और छोटे छोटे जो अपने सवाल होते हैं, जैसे वो होता है अपनी एक और चीज होती है जिसे अपन बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स। कौन सी? चाहोगे तो एक आध सवाल करा दूंगा, सुन ले अच्छे से। रेन मैन प्रॉब्लम्स, बारिश आदमी समस्याएं, बारिश आदमी समस्याएं। मैं आपको एक चीज पहले ही बता चुका हूं कि रेन की जो रफ्तार होती है उसे अपन टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद की मानते हैं। याद है मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया था कि अगर हम रेन को अंडर ग्रेविटी पूरी फॉल करें तो साला बारिश जो है गोली की तरह नीचे आएंगी, पर क्योंकि एयर ड्रैग होती है इसलिए हम उसे कांस्टेंट मान लेते हैं। याद कर मोशन अंडर ग्रेविटी में सब बात पढ़ाई गई थी। क्या मैंने आपको जी मतलब ए वेरिएबल के साथ भी पढ़ाया था? मैंने आपको रेसिस्टिव फोर्स बताया था केवी करके। क्या करके? तो इसलिए इतने जब भी रेनमैन प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम रेन की रफ्तार होती है उसे लगभग लगभग कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर चुकी होती है। और ये बात हम मोशन ग्रेविटी में कर चुके हैं। अरे हाँ ना बोले यार, है ना? तो एक्चुअली नहीं भी बोलता तो भी जल्दी मुझे लगता है ठीक है रेन ऐसे आती है, बट लॉजिकल बात है कि अगर रेन अंडर ग्रेविटी गिर रही है तो उस पर ग्रेविटी लग रही है, फिर भी हम उसकी रफ्तार कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि नीचे आता है तो उस पर एमजी लग रहा था, ऊपर लग रहा था एयर रेस्टिव फोर्स, नीचे आते थे लगभग वो दोनों बराबर हो चुके हैं और हम बूंदों की रफ्तार कॉन्स्टेंट मानते हैं। अगर वो अंडर ग्रेविटी गिरती तो बूंदे बहुत तेज आती, शायद हम उसे सह। तो ईश्वर ने बहुत अच्छे से इस काम को करा है। खैर, तो रेन मैन प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम? रेन मैन। अब लॉजिकल बात, अगर आप बारिश में चल रहे हो तो आप छाता नहीं भी लेके जाते, ठीक है वो आपकी इच्छा है। तो पर छाता अगर अपन लेके जाते हैं तो क्या अपन छाते को खोलते हैं कि बंद रखते हैं? पहला प्रश्न। अरे हाँ ना बोले यार, छाते को मैं क्यों खोलू, खराब हो जाएगा। तो भाई साहब छाता अपन खोलते हैं, छाता अपन और उसको बारिश की तरफ रखते हैं कि बारिश मतलब उल्टा रखते हैं कि बारिश की तरफ रखते हैं? अगर आप दौड़ोगे, अगर आप तो बारिश आपके लिए टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। पहली बात, बारिश की दो बातें समझ लो आप, वास्तविकता में तो बारिश वर्टिकली आती है, बट हवा के भाव की वजह से टेढ़ी हो सकती है। तो यह समझ कि पहले बारिश सीधी आ रही थी 5 किलोमीटर/घंटे से, कितने से? 4 से। बोलो क्लियर? अब हवा बहने लगी इधर 3 से, तो क्या हवा के साथ भी इधर 3 से बहेंगे और इधर 5, 4 से, तो नेट कितनी हो गई? 5। क्या ऐसे यार? हाँ ना बोल। तो हवा की वजह से होता है वो। किसकी वजह से? यार नहीं आया, आया। सिंपल बात, पहली बात वो हवा की वजह से होता है, ठीक है। तो अपने को रेन की रफ्तार दी होगी या निकालनी होगी, जो भी करना हो उसके कारण समझ लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होती है? यस सर। और क्या वो टेढ़ी मेढ़ी होती है हवा की वजह से? यस सर। किसकी वजह से? तो क्या रेन हमेशा बिल्कुल सीधी आएगी या टेढ़ी भी आ सकती है? और जो भी सवाल हमारे लिए आएंगे क्या उनमें कांस्टेंट रफ्तार होगी? पर वो वर्टिकल डाउनवर्ड हो ये जरूरी हो भी सकता है और तो टेढ़ी भी आ सकती है। पहले था जो बोला चमगा। अच्छा भाई, अब मान लो समझो कि आपका जो आदमी है वो ऐसे जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे, बोलो क्लियर एकदम। तो अपन बेसिकली ऐसे पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, अगेन वो 6 में से 4 थी छोटी छोटी बातें। 6 में से कितनी चीज पता होंगी? 4। निकालनी कितनी होगी? 2। उन 6 में से 4 चीज होगी उनमें कम से कम 2 डायरेक्शन होगी, उसकी 3 फॉर्मेट होती है, वो सब हम जानते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो ऐसे और बारिश आपकी मान लो खुबच 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 मान लो बारिश आपकी ऐसे गिर रही हुई नीचे तो जाती है, नीचे से ऊपर जाती है तुम्हारे गांव में। हाँ यार बेवजह बातें करते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं है अभी ये। अरे हाँ ना बोल। मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कैसे जा रही है रेन? कैसे गिर रही है?
कैसे गिर रही है? गधेड़ों जैसी बातें मत करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल में होता है, ऐसे कभी नहीं सुनोगे रेन इज फॉलिंग साउथ ईस्ट। वर्टिकल से एंगल बोलते हैं इसमें। रेन कैसे गिर रही है? साउथ ईस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां होता है? ये तो बोर्ड पे मेरे को इसको वर्टिकल बनाना पड़ता है। पहले कह रहे साला ये गलत पढ़ाता है। रेन को ऐसे कहते, रेन को ऐसे नहीं बोलेंगे रेन इज फॉलिंग 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ऐसे थोड़ी गिरेगी यार वो। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। तुम लोग आज पता पड़ा है ना? भाई टैलेंट तो है तुम लोगों में यार। तुम हाँ मेरे से सीखा है ना तो गजेंगे। रेन में इसलिए रेन ऐसे दी होगी कि रेन इज फॉलिंग एट एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल और इट इज फॉलिंग वर्टिकल। बोल यस और नो। मुझे लगा ही तुम्हें आया है ना, तो ऐसे गिवन होता। अब ये रेन गिर रही है। अब बेसिकली ये आदमी अगर इस रेन में जा रहा है तो पूछा जाए छाता कैसे रखे, छाता किधर रखना चाहिए, रेन की रफ्तार की तरफ ग्राउंड फ्रेम में या जो रेन अपीयर हो आदमी को, क्या उसे डायरेक्शन में रखना चाहिए? यार हाँ ना बोल। छाता किधर रखना चाहिए? वीआरएम वीआर माइनस वीएम किधर रखेंगे छाता? किधर? चलो भाई देख लेते हैं, एक बार विचार कर लेते हैं। वीआरएम, वीआरएम क्या है? वीआर माइनस वीएम। अगर ध्यान दो तो वीआर इधर और माइनस वीएम इधर। अरे हाँ ना बोल। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर? क्या यही वीआरएम है? पक्की बात? तो छाता ऐसे रखोगे? अरे हाँ ना तो बोलो। छाता वीआरएम नहीं, अपोजिट टू वीआरएम रखते हैं। अरे तभी तो बारिश बचोगे, सर ने सिखाया था वीआरएम। छाता किधर रखते हैं? अब फिर से वही बात, आपको यही दो चार चीजें गिवन होगी। अब कुछ भी कर सकते हैं यार उसमें। कभी आदमी को हिल पे चलाने लगे, अरे कहीं पे भी चलाओ, मुझे वीएम पता होना चाहिए, वीआर पता होना चाहिए, छह में से चार चीज पता होनी चाहिए, बाकी दो निकालना मेरे लिए कोई खास बात नहीं। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस? तू बोले जितने सवाल मैं बना सकता हूँ, चाहेगा तो एक हाथ करा दूंगा, नहीं चाहेगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, और बोलेगा तो एक करा दूंगा, बाकी कोई 1% कोई रॉकेट साइंस? बस यही है जो मैंने आपको बोला। छह में से कितनी चीज बताऊंगी? चार। और छाता किधर रखते हैं? अब कभी तू दौड़ आदमी की बजाय कुत्ता ले ले, बिल्ली ले ले, जो तेरी इच्छा हो ले यार। मैं क्या कह रहा हूँ, स्कूटर पे बैठ के चल, कार पे स्कूटर पे चल, हिल अप द हिल चल। मेरे तेरे से एक सिंपल बात पूछूंगी, एक आदमी 37 डिग्री पे इधर देख, सुनना, एक आदमी 37 डिग्री से इधर की तरफ दौड़ रहा है, इधर 5 किलोमीटर प्रति आर से, बोल हाँ ना बोल यार, और बारिश वास्तविकता में गिर रही है सीधी, बताओ उसको छाता किधर रखना चाहिए? क्या तू सवाल कर सकता है? yes, sir. कर सकता है कि नहीं कर सकता? yes, या बताओ उसको बारिश किधर अपीयर होगी? क्या सवाल कर सकता है? yes, सब है वो पुरानी बात ही। नहीं आया? आया। अरे नहीं आया, आया। तो तू बोलेगा तो उन्हीं ट्राइंगल में से एक आध को ट्राइंगल बना के दे देता हूँ अभी तुझे, तुझे अच्छा लगाएगा शायद। उतार ले चल, मैं बताता हूँ तेरे को, एक कर ले तेरे मन को शांति मिलेगी, नहीं तो तू साले रोता रहेगा। रेन इज फॉलिंग छमा छम छम। मान लो बारिश हो रही है भाई साहब वर्टिकल से, ऐसे सपोज 37 डिग्री पे, कितने पे? 37 डिग्री पे बारिश हो रही है, और कितनी रफ्तार लोगे इसकी? बोलो क्लियर। थोड़ा सा अच्छा करा देता हूँ। रेन ऐसे गिर रही है, बोलो क्लियर, और आदमी जो है इधर दौड़ रहा है 14 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ, क्या हुआ? अभी तो स्कूटर पे मान ले, कार पे मान ले, जी के परेशान कार में छाता लेके, क्यों हमारी वो BMW कन्वर्टेबल है? क्या कहते हो यार? सारा पानी तो कार के अंदर ही है। तो क्या वो छाता तो खुद तो बच जाएगा, पानी के अंदर जाएगा।
कार के अंदर आ जाएगा सर, ठेले वाली बातें करते हैं लोग। सवाल भूल जाऊंगा मैं अभी। और बचने के लिए, बचने के लिए, बचने के लिए ही। हाँ मैं समझ रहा हूँ, कहीं विचार में आ रहा हूँ बच्चे के लिए। बचने के लिए मैन अम्ब्रेला ऐसे रखता है 45 डिग्री पे। ध्यान देखो, आदमी की रफ्तार दे दी, रेन की डायरेक्शन दे दी, बचने के लिए आदमी छाता ऐसे रखता है। बोलो क्लियर, बोल कौन सी फॉर्मेट है ये। कितनी डायरेक्शन गिवन है? तीन गिवन है गधों। ये सवाल नहीं था कि फॉर्मेट कौन सी है। करो सवाल जो बच रहा है वो। रेन की रफ्तार बताओ रियल ग्राउंड फ्रेम में। आइए, हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश, तुम लोग कर सकते हो। करना वही फॉर्मूला ही लगाना है, 6 में से 4 चीज। एक बार बात समझ में आती है ना तो अच्छे बच्चे को लगता है बार बार क्यों पढ़ा रहा है, और गधेड़े को लगता है बार बार क्या पढ़ा रहा है। मेरे हिसाब से सही डिटेल ये है मैंने, अच्छा आंसर आएगा। ध्यान से बनाओ डायग्राम, VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड आएगी, तुम सब लोग निकाल सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तुम्हारे सामने सवाल बनाया है अभी, और अगर ये नहीं कर पाओगे तो मैं एक और कराऊंगा जो कि टाइम पास है। टाइम पास मत कराओ आप साला। रेन की रफ्तार को एक्स मान लो, आदमी की रफ्तार 14 गिवन है, सारी डायरेक्शन अपने को गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की रफ्तार अपने को दिखाई दे रही है कि इधर की तरफ एक्स है जो कि 37 डिग्री है बना रही है, हमें वेलोसिटी ऑफ मैन 14 इधर दी हुई है, -14 इधर आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात। और हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमें छाता ऐसे रखना है तो हमारा VRM इधर आना, पहले अपन इसे ध्यान से बना लें तो इधर आएगा 14 - 3x/5, अरे हाँ ना बोल, और इधर आएगा 4x/5। तूने अगर ध्यान दिया हो तो इसी तरीके का ट्रायंगल क्या कई बार आ चुका है, अरे हाँ ना बोल। मैंने 2-4 स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद कर रखे, उनसे सवाल बनाता रहता हूँ। अरे यार, किसी भी फॉर्मेट में कहीं पे भी चिपकाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो तो छाता इधर रखना है तो ये एंगल 45 होना, तो 45 होना चाहिए, तो 45 - 3x/5 = 4x/5 के x की वैल्यू आई 10। यार तुमसे नहीं हुआ यार, तुम लोग नहीं कर पाए, तुम लोग नहीं कर पाए। एक और वन मोर। यार सबका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है यार, बोलो तो करा दू मेरे लिए, हाथ का मेरे, या आगे बढ़ जाऊं, एक इंक्लाइन पेन भी चला दू आदमी को, या कर लोगे मर लो। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रही तुम्हारी शक्ल देख के, क्या है इसमें, ला जाओ। आदमी चल रहा है 37 डिग्री से, मैं तो कह रहा हूँ आदमी दौड़ रहा है इस इंक्लाइन पेन पे ऐसे ऊपर की तरफ, सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, कितना? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, नहीं 3 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है? पक्की बात? आसान हो गया है तो चलो कोई बात नहीं। बताओ आदमी को छाता कैसे रखना चाहिए, इन विच डायरेक्शन, हाँ भाई सब लोग बोलो, टेन इनवर्स। हाँ ठीक है, इसमें क्या है यार, यार तुमसे नहीं हुआ ये क्या? VRM इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन 3 नीचे, कोई बुराई वाली बात, वेलोसिटी ऑफ मैन 5 इधर आ जाएगी और ये एंगल 37 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, ये 5 है तो इधर कितना हो गया 3+3 और इधर कितना हो गया 4, तो कुल मिलाकर रिजल्टेंट के इधर आया 4 और इधर आया 6,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा और ये एंगल थीटा होगा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2/3। यार तुम्हें नहीं आया, और छाता ऐसे रखना चाहिए। मतलब अगर तुमसे ये भी नहीं हुआ ना तो मैं भाग जाऊंगा। सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात? और लू की क्लैरिटी है क्या? अपन रेनमैन में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, कहीं पे भी आदमी को दौड़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने लोगों ने सही सोच दिया था? ये हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा कर दो। निया, अरे रेस्पॉन्स कम आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई साहब बोलो ना यार, बोलने में दिक्कत है क्या कोई? मुझे कैसे पता पड़ेगा तेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मुंह बंद है क्या तेरा? दिक्कत है बोलने में कोई? मुझे कैसे पता पड़ेगा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फालतू नहीं बोलोगे तो चार इलस्ट्रेशन और लूंगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। क्या क्या यहां तक बात क्लियर है? तो हमने देखो रिलेटिव में अपन क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ चुके? सारी फॉर्मेट अलग अलग करके बताइए मैंने। क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई, क्या रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हो गया, क्या रिवर बोट हो गया, क्या प्लेन विंड हो गया, क्या रेनमैन हो गया, एक और छोटी सी बात बिल्कुल लगे नहीं, इससे भी छोटी, उसे बोलते हैं फ्लैग फ्लैटरिंग। कुछ नहीं चाहो तो बस ऐसे लिख लो, कोई नई फॉर्मेट नहीं है। फ्लैग फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का मतलब समझते हो? जिधर झंडा लहराता है, फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम्स। अगेन सुन, झंडा किधर लहराएगा? जिधर हवा चल रही है। मान लो मैं झंडा लेके दौड़ रहा हूं, मान लो मैं झंडा लेके दौड़ रहा हूं, तो झंडा वैसे जैसे मान लो, एक बात समझो अच्छे से, कि मान लो कि मैं झंडा लेके खड़ा हूं, है 15 अगस्त आने भी वाली है, झंडा लेके खड़ा हूं, झंडा इधर लहरा रहा है, तो इसका मतलब इधर हवा चल रही है। अब मैं झंडा लेके दौड़ने लग जाऊं तो झंडा किधर लहराएगा? लॉजिकली बोलो, इधर की टेढ़ा, मतलब झंडा किधर लहराएगा? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। अरे यार, वेलोसिटी ऑफ नहीं आया। अगर सिंपल सी बात करें तो झंडा किधर लहराएगा, इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है बस। झंडा किधर लहराएगा? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। यार मुझे लगा है तुम्हें आया कोई, जैसे अगर अपन ध्यान देगा उसको क्लैरिटी आ जाएगी जो अपने कॉमन सेंस से पढ़ा। अगर आदमी इधर दौड़ रहा है और विंड की रफ्तार इधर है, अरे हाँ ना बोल, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, बोल यस और नो? तो जाहिर सी बात है इस वाले केस में क्या अपन लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या झंडा इधर लहराएगा? जो हमने सोचा और जो मैथमेटिकली आया क्या बिल्कुल सही है? कोई बुरे वाली बात फिर से कितनी चीज 6 गिवन कितनी होंगी 4 वैसे ही तो सवाल है। अरे यार नहीं आया। अब आदमी टेढ़ा दौड़ा लो, हवा इधर कर लो, ये कर लो, फ्लैग फैक्ट्री में कोई दिक्कत निकलो, झंडा उधर लहराएगा, झंडा उधर लहराएगा जिधर वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी, जिधर वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी, खत्म। बोलो क्लियर है? पक्की बात? चलो और देख, मतलब आप चाहो ना तो कैसे भी सवाल बना सकते हो, मैं पागल हो जाऊं साहब, चलो जान निकाल ली इनकी। भाई साहब नदी बह रही है, ज्वार भाटा आ रहा है नदी में, ज्वार भाटा समुद्र में आता है नदी में आता है? समुद्र में आता है, सॉरी। नदी पागल हो गई है, रफ्तार में चल रही है साहब, भयानक और काली अंधेरी रात, और नदी ऐसे बह रही है और आपको उधर जाना है, अरे यार हाँ ना बोल, और आप नाव पे सवार हो, क्या रिवर बोट का सवाल हो गया? ऊपर से बारिश और हो रही है, और यार हाँ ना बोल, और तू छाते से बारिश से बचना चाहता है, तो सोच रिवर बोट का सवाल जुड़ गया। नदी इधर बह रही, इंजन स्पीड इतनी है, बताओ VBR, जिधर VBR आएगा क्या वो मैन की रफ्तार हो गई रेन मैन के लिए? अरे यार नहीं आया, तो बारिश कर लो तो बताओ छाता किधर रखो? मैं तो कह रहा हूँ झंडा और लगा लो पताका पर, हवा और बहा दो, और मैं तो कह रहा हूँ एक बोट दूसरी बोट और ले आओ तो क्या शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा? और मैं और मेरी बीवी, बारिश हो रही है, ज्वार भाटा है, मरने वाले, तो क्या हुआ, एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं? अरे नहीं आया।
मैंने हंसने के लिए नहीं बताया, क्या सवाल बनाया जा सकता है? दैट्स इट। डरने की आवश्यकता नहीं है। इतने तहजीब तमीज से तुझे पढ़ाया, कॉन्सेप्ट में तू कहीं नहीं अटकेगा, तू अटकेगा कैलकुलेशन में। कहां अटकेगा ये मैं तो ढंग से बता दूं, बहुत तहजीब तमीज से पढ़ाया है आपको, आप कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं अटकोगे। आप अटकोगे कहां पे? जब आप वेक्टर सॉल्व नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे ये चार चीजें, कॉन्सेप्ट चली कुछ नहीं अटकने वाले आप। कितना भी टफ पूछ दे, इतना टफ पूछेगा नहीं पहली बात जो मैंने आपको बोला, पागल थोड़ी करना उसको आपको। पर मैं तो कह रहा हूं कर भी ले तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग सकता है पर सवाल तो हो ही जाएगा। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? कुछ एक आध जनरल सवाल और आते हैं, बाकी खत्म हो गया सब कुछ। ध्यान से देखो कैसे मैं बताता हूं, सुन, कुत्ता बिल्ली वाले प्रॉब्लम होता ही है, जनरल क्वेश्चंस ध्यान सुन। एक सवाल और है पर वो अभी शीट में दो जगह है तो मैं उसे कराना नहीं चाहता। आइए, जनरल क्वेश्चन वैसे वाले होते हैं कि जैसे ये स्टैंडर्ड सवाल है, करा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं करा हुआ तो सुने कि मान लो एक ट्राइंगल है, क्या है? एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या चीज? इसमें तीन लोग हैं, एनवी सर, एक बालक, सुंदर कन्या। अरे हाँ ना बोल यार, ये बालक जो है कंटिन्यूसली सुंदर कन्या की तरफ भागता है, ये जो बालक है ये हमेशा सुंदर कन्या की तरफ भागता है। अरे हाँ ना बोल यार, इट ऑलवेज हेड्स टुवर्ड्स सुंदर कन्या, और सुंदर कन्या मेरी तरफ भाग रही है। अरे इट ऑलवेज हेड टुवर्ड्स एनवी सर, और चूंकि तू सुंदर कन्या की तरफ भाग रहा है इसलिए मैं तेरी तरफ, कि साले तू पढ़ क्यों नहीं रहा। अरे हाँ ना बोल यार, तो ये तीनों एक तीसरी तरफ भागते हैं, क्या है? हमेशा इसी ट्राइंगल पे भागेंगे या ऐसे चेंज होते जाएंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा इधर आएगा तो क्या मैं अपने आप को इधर कर लूंगा, ये थोड़ी सी इधर आएगी तो क्या ये भी इधर कर लेगा? ये ट्राइंगल पे नहीं भाग रहे हैं, दे ऑलवेज मूव टूवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड वी। वो जैसे पहले ऐसे जा रहे थे, वो इधर जा रही थी तो मैं इधर था, पर वो इधर हो गई तो मैं इधर। अरे तो सवाल है कि दे ऑलवेज हेड्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे रन टुवर्ड्स ईच अदर विद अ कांस्टेंट स्पीड वी, विद अ कांस्टेंट स्पीड वी, क्या ये मिलेंगे? क्या ये? ध्यान सुनना, पहले अपन समझ लेते हैं इसको। सोच के देख, थोड़ी सी देर में अगर ये यहां आ गया, नहीं आया तो क्या मैं यहां आ गया? क्योंकि ये आया तो मैंने अपना चेहरा इधर कर लिया, ये इधर आई तो इसने इधर ले, तो ध्यान देखो तो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ, शायद ट्राइंगल ऐसा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ट्राइंगल ऐसा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ट्राइंगल ऐसा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद ट्राइंगल ऐसा हो गया। तुम ध्यान से देखो तो मैंने अपना पाथ ऐसा लिया, सुंदर कन्या ने अपना पाथ ऐसा लिया, बालक ने अपना पाथ ऐसा लिया, तुम्हें कुछ भी समझ आया नहीं आया? दिस इज द रियल सिचुएशन। तीनों मिल गए, मिलने के बाद क्या हुआ चर्चा नहीं करते? अरे हाँ ना बोल यार, तीनों मिल गए। सवाल आता है, सवाल ऐसे लिखना, पहले तो सवाल अपनी भाषा में लिख लोगे कि तीनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, हमेशा एक दूसरे की तरफ ही चेहरा रखते हैं। अरे हाँ ना बोल, रियल सवाल ये है कि तीनों एक दूसरे की तरफ चेहरा रखते हैं और कॉन्स्टेंट स्पीड से दौड़ते हैं। फाइंड आउट द टाइम व्हेन दे विल मीट, सवाल है फाइंड आउट द टाइम व्हेन दे विल मीट। मैंने आधा सवाल तो सॉल्व कर दिया है, अभी भी ट्राई करो, अगर नहीं करा हुआ है तो अच्छा सवाल है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन दे विल मीट, एक मिनट पहले तो क्या पाथ सबको समझ आया? क्या मिलेंगे सेंट्रोइड पे ये भी समझ आया? यार हाँ ना बोल, अब इसको करा वो रिलेटिव से जाता है इसलिए मैं रिलेटिव में से पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना अच्छे से। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच के बारे में समझो, इन दोनों के बीच में इनिशियल दूरी क्या थी और फाइनली क्या है, तो रिलेटिवली समझते हैं। क्या एनवी से डायरेक्ट इसकी तरफ भाग रहे थे वी से, और ये भले सुंदर कन्या की तरफ भाग रहा था हमेशा V से, ये भी V से और ये भी से। अच्छा हमेशा क्या हम इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रहते हैं? सर आवाज नहीं आई यार। हाँ ये बात अलग है, समय के साथ वो छोटा होता जाता है, पर हम हमेशा रहते हैं। मैं तो डायरेक्ट इसका पीछा कर रहा हूं, ये किसी और का पीछा कर रहा है, पर इसको पता नहीं पड़ रहा कि इनडायरेक्टली मेरे पास भी आ रहा है। इस वी के दो कंपोनेंट करो, इधर वी बाई टू, इधर
और इधर, तो ये रूट थ्री वी बाई टू हमारे दोनों के बीच की दूरी में क्या बदलाव ला रहा है? रूट थ्री वी बाई टू ये हम दोनों के बीच की दूरी में क्या बदलाव ला रहा है? कुछ नहीं। अरे यार, पर किसे पता नहीं पड़ रहा क्या? पर ये v by 2 से मेरे पास आ रहा है और मैं डायरेक्टली इसके पास कितनी से जा रहा हूं? v। तो हम दोनों की दूरी कम कौन कर रहा है? v v by 2 या दोनों का सम? तो कितना इफेक्टिव? v by 2। तो हम दोनों की हमेशा रिलेटिव रफ्तार पास आने की क्या 3v by 2 है? अरे नहीं आया। चाहे हम टेढ़े होते जाए पर क्या हमारी पास आने की रफ्तार क्या हमेशा 3v by 2 है? अरे नहीं आया। आया नहीं आया। और हम दोनों की दूरी है कितनी? a। तो समय लगा a बाई थ्री वी बाई टू, दैट इज 2a बाई थ्री वी। इट्स अ गुड प्रॉब्लम। तुम्हें दूर दूर तक समाज ये इतनी आसानी से रिलेटिव से ही हो सकता है? अरे कभी तो हाँ ना बोल। मुझे लगा ही तुम्हें आया। जब हम दोनों के बीच की दूरी a है और फाइनली जीरो है और हम दोनों के बीच की a दूरी को लगातार मैं b से घटा रहा हूं और क्या बालक v by 2 से घटा रहा है? yes, तो क्या इफेक्टिवली 3v by 2 से घट रहा है? yes, तो समय लगेगा a by 3v by 2। yes, तुम्हें दूर दूर तक समझ। अच्छा मटी, अरे नहीं आया। रोडो वाला कौन सा? वो UV वाला ना, वो अलग है। अभी टाइम होगा तो मैं करा दूंगा, वैसे करा सकता हूँ। इसको 6 वाले में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? छे वाले में देखो, ये देखो। हालांकि तुम इसे ओरली कर दो, मान लो 6 बालक है, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तूने मेरी वाली कैसे ले ली? तूने मेरी वाली कैसे ले ली? मिलेंगे कहां पे? कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? कोई हेक्सागन छोटा होता जाएगा? हेक्सागन छोटा होता जाएगा। फिर से वही सवाल, बताओ कितनी देर बाद मिलेंगे? सबको करने दो, करो करो सब लोग। वही सवाल एग्जैक्ट, 6 ले लिया अब मैंने। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत। अब सोचो अच्छे से, क्या इनके बीच की दूरी है? वी डायरेक्ट घटा रहे हैं और ये वी, ये एंगल कितना? 60। तो इधर कितना आया? v by 2। और कितना आया? रूट थ्री वी बाई टू। इस रूट थ्री बाई वी टू का हमारी दूरी में कोई क्या है? v by 2 से बढ़ा रहा है। yes, और ये v से घटा रहा है। तो इफेक्टिव घटाना कितना हुआ? v by 2। कितना हुआ? अरे नहीं आया। आया नहीं आया। तो आंसर आया a बाई v बाई टू इक्वल टू 2a बाई v। बोलो क्लियर। कोई सवाल में आपसे पूछे कि मिलने से पहले इन हर एक पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? ये तो टाइम था। उसने पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच पार्टिकल बिफोर मीटिंग। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर मीटिंग। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर मीटिंग। सब लोग बोलो, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। क्या स्पीड कॉन्स्टेंट है वी? yes, कितनी देर तक चले? 2a by v। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो लिख दो भाई साहब, 2a by v इंटू वी, वी ने वी को 2a। प्राण प्रखेरू और आइए, एक बढ़िया खतरनाक अच्छा सवाल करते हैं। एक अच्छे सवाल के साथ इस चैप्टर का अंत करते हैं। आइए, सवाल यह है कि एक सुंदर कन्या यू रफ्तार से सीधी चली जा रही है, उसे कोई दीन दुनिया से मतलब नहीं है, चुपचाप यू से चली जा रही है, और यहां से कुछ तो L दूरी पर, कितनी दूरी पर? तूने इसको देख लिया बालक। एनवीसर वाला सवाल करना है तो फिर ये सुंदर कन्या करो और ये एनवीसर करो। अरे हाँ ना बोल यार, अब तो समय।
ये यू, ये एनवी सर, तो आरआरडी से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये सुंदर कन्या, ये कोई बुरे वाली बात, ये सुंदर कन्या इधर वी से जा रही है, सॉरी, और ये कंटिन्यूअसली मेरा पीछा कर रही है, ये शी ऑलवेज हेड टुवर्ड्स एनवी सर, मैं इधर हूं तो इधर, मैं आगे निकल गया तो फिर इधर, अरे यार हाँ ना बोल, तू अगर लॉजिकली सोचे तो स्वर्गीय पात कैसा होगा मेरे से मिलने से पहले, पैरा बोला तो नहीं बोल सकते पर कुछ इस प्रकार का, अरे हाँ ना बोल, और ये मुझसे मिल जाएगी, और ये मुझसे कब मिलेगी सवाल है, कब मिलेगी, कब ये मुझे पकड़ लेगी, साले यार तुम ऐसे सवाल कराए तो रिकॉर्डिंग और हो रही है, मेरी बीवी ने देख लिया साले मेरे, क्या बात, मुझे आंसर में से याद नहीं, कुछ ऐसे ही आएगा, पर इधर सुन ध्यान से, शायद सही है, पक्का नहीं, नहीं रूट नहीं आता, अच्छा अभी देख लेते हैं, सुनो, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, बेसिकली ये मत सोचो कि तुमसे सवाल क्यों नहीं हुआ, इस तरह के सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है उन्हें सॉल्व करने की, है ना, तो ऐसे मत सोचो नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं आता है तो नहीं होगा वो इतनी आसानी से, है ना, क्योंकि वो एक फिक्स तरीका है जिससे ही वो क्लिक होता है, कैसे सोचा गया सुने ध्यान से सवाल को, सही तो सोच रहा हूं ना मैं, हाँ टी टाइम बाद मान लो हम दोनों मिले, टी टाइम बाद मान लो हम दोनों, तो मैं कितनी दूरी चल चुका, मतलब सुंदर कन्या कितनी चल चुकी, यूटी कितने चल चुकी, यूटी लॉजिकल है, और मैं यूटी से ज्यादा चला कम, ज्यादा, अरे यार यहां मिले तो मैं हॉरिजॉन्टल में यूटी चल गया तो भाई भी तो चला कुछ, तो सवाल में दिया हुआ था कि v इज ग्रेटर देन u व्हिच इज कॉमन सेंस, खैर मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट जब मैं यहां पर हूं तो मेरी रफ्तार v इधर है, इसका मतलब इधर हेड कर रखा है, तो सुंदर कन्या इधर है और मैं तो अपनी मस्ती में जा ही रहा हूं u से, यार मुझे लगा है तुम्हें आया, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम की सिचुएशन है, मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो v cos थीटा, क्या थीटा वेरिएबल है इसमें कंटिन्यूअसली, थीटा, तो ध्यान से देख तो v cos थीटा dt, v cos थीटा dt, v cos थीटा dt, v cos थीटा dt का इंटीग्रेशन इज ut, बड़े से सोचिए क्या लिखा मैंने, v cos theta is the component in horizontal direction, तो vx dt is distance covered in horizontal ना, and distance covered horizontal is ut, अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्की बात, integration v cos theta dt equals to ut, प्राण प्रखेरू, अरे सोच ले, अब दूसरी क्वेश्चन सुन, तू अगर ध्यान से देखे तो ये u, ये थीटा, तो ये भी थीटा, इस u का इधर u cos थीटा, अगर तू ध्यान से देख तो हम दोनों के बीच की दूरी हर समय v तो घटा ही रहा है, और मैं मतलब सुंदर कन्या, हाँ मैं u cos थीटा से बढ़ा रहा हूं, वेयर थीटा इज वेरिएबल, हम दोनों के बीच की दूरी को देखो सिर्फ इस लाइन को, अरे क्या सुंदर कन्या तो कंटिन्यूअसली मेरी तरफ ही है तो वी से घटा रही है, अरे तुम्हें नहीं आया, पर जो मैं हूं वो भी क्या वी कॉस थीटा से बढ़ा रहा हूं, पर इसमें थीटा वेरिएबल है, तो हम दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है किसी भी इंस्टेंट पे, वी माइनस यू कॉस थीटा डीटी, रिलेटिव रफ्तार इन dt का इंटीग्रेशन इज द डिस्टेंस कवर्ड दैट इज l, ये क्या चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dt इज व्हाट, रिलेटिव डिस्टेंस,
पहले लिटरल डिस्टेंस कितनी थी एल, अब कितनी है जीरो, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो एल आया ना। इसीलिए कह रहा हूं ये एक स्टैंडर्ड अच्छी फॉर्मेट है। ध्यान समझ मैंने क्या लिखा है, वी डी टी इज डिस्प्लेसमेंट बट वी रिलेटिव डी टी इज रिलेटिव डिस्टेंस। अरे यार हमारे बीच की इनिशियल रिलेटिव दूरी कितनी है एल और फाइनली कितनी है जीरो, और हमारे बीच की किसी भी इंस्टेंट में रिलेटिव रफ्तार क्या है वी माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी, वी माइनस यू कॉस थीटा इंटू इक्वल टू एल। ये इक्वेशन समझना ही अपने आप में कलाकारी है। जो तुम्हें समझ नहीं आई, आई नहीं आई, अब ध्यान सुन, वी टी माइनस यू इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी टी, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी टी इज यू टी बाई वी, दैट इज यू स्क्वायर टी बाई वी। तुझे समझ नहीं आया मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी टी वेरिएबल है जो सॉल्व नहीं कर सकते, थीटा का वेरिएशन थोड़ी पता है आपको, तो ऊपर से निकाल के लाएंगे वो। अरे यार हाँ ना बोल, इक्वल्स टू एल, इक्वल्स टू एल, तो टाइम की वैल्यू निकल के आई एल वी बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, सर 5 मिनट के आप 500 दिन दे देते तो मेरे को पता है, कोई बात नहीं, पर क्या हमने एक अच्छा सवाल सीखा? Yes, अरे नहीं आया? आया मुझे पता ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, पर समझ में तो आया होगा। Yes, इसको करने का ऐसे ही तरीका है, इसको करने का और घर जाके कोई और तरीके से ढूंढना अगर कर पाओ तो। Yes, वैसे ज्यादा टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा सवाल अच्छे तरीके से बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट की तरीके से आपको बताया गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है।